की पुलिस चाहे कितनी भी मुस्तैद और हाईटेक होने का दावा करे, चोर उसे चार कदम आगे बढ़कर घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है। एक मामला झांसी में सीपरी थाना क्षेत्र के मुरारी नगर इलाके का आया है, जहां वन विभाग के रिटायर्ड कर्मी के घर के सामने खड़ी एक कार को चोरों ने आधी रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक चोर का सुराग नहीं लगा सकी। मुरारी नगर में रहने वाले मदन मोहन वन विभाग के रिटायर्ड कर्मी रोजाना की तरह शाम को अपने घर के सामने अपनी कार खड़ी कर दी थी। सुबह जब देखा तो कार घर के सामने नहीं थी। जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो दो चोर कार चोरी करते कैमरे में दिख गए, जिसमें दो चोर कार की तरफ आते हैं और वे खड़ी कार के पास पहुंचकर चारों तरफ देखते हैं और फिर गाड़ी का लॉक खोलकर कार स्टार्ट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसकी सूचना सीपरी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को तलाश रही है। मेरे इधर जो है 29 तारीख को रात करीब 12 बजे आसपास दो चोर जो हाईवे की तरफ से आए और मेरी गाड़ी के पास जो है आगे रुक गए। उन्होंने पहले तो जो बाएं तरफ से खोलने का गाड़ी का प्रयास किया, इसके बाद जब नहीं खोला तो दाहिने से खिड़की गए से गाड़ी खोल लिया है उन्होंने और स्टार्ट गाड़ी करके दोनों एक चोर तो गाड़ी की सीट पर बैठ गया, दूसरा चोर बाएं से जो है फिर गाड़ी में उसके बराबर से बैठ के गाड़ी जो है चलाते हुए ब्रेक करके हाईवे की तरफ ले गए। न्यूज वीके के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।